सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए, मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए, मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी, अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे, अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पर ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलके दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं, और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रही। और उसी के लिए आज हमने अजीत साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आगे का पत्र।